वेलकम बैक दोस्तों। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं अपने फेवरेट टेबल को। इस बार दोस्तों मैं सेम वीडियो लेके आया हूँ, कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं अपने फेवरेट टेबल को, लेकिन इस बार हम बताने वाले हैं कि आप इंसर्ट स्लाइसर की मदद से कैसे फिल्टर कर सकते हैं। अब इंसर्ट स्लाइसर होता क्या है वो दोस्तों आप तुरंत समझ जाएंगे जैसे ही मैं उसका आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो अगेन दोस्तों, हमें अपने पिवट टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक करना है, वो मैटर नहीं करता कि हमने कहाँ पे क्लिक किया है। पिवट टेबल के अंदर आप कहीं भी रैंडम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है एनालाइज के ऊपर। एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा आइकॉन दिख जाएंगे, अलग अलग आपको फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको सिंपली आना है फिल्टर के फंक्शन के ऊपर, फिल्टर के सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर। इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे सिर्फ करना है ग्रुप, और मैं सिंपली कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप मेन्यू टाइप एक विंडो ओपन हो चुकी है। मैं विंडो नहीं कह सकता, एक मेन्यू सा ओपन हो चुका है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों इस मेन्यू को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जहां आपका मन करे। ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है, ना इसमें कट का ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन नहीं है। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सी, तो आपको सी का डाटा शो होगा, सी ग्रुप का। आप क्लिक करेंगे बी, तो आपको बी ग्रुप का शो होगा। आप क्लिक करेंगे ए, तो आपको ए ग्रुप का शो होगा। दोस्तों इसी टाइप से दोस्तों अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है मल्टी सिलेक्ट। इसका यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिख जाता है दोस्तों, ऑल्ट प्लस एस। ऑल्ट प्लस एस को दबाएंगे दोस्तों तो आपका ये डाटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, जो मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जो ग्रुप का सेक्शन था उसमें आपको अलग अलग चीज उठा के सिलेक्ट करनी पड़ती है, वैसा कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पे आपको साथ में एक छोटी सी विंडो मिल जाती है दोस्तों, छोटा सा एक मेन्यू मिल जाता है जो आपके पिवट टेबल में ही रखा रहता है। आपको सिंपली ग्रुप ए सिलेक्ट करना है, ग्रुप बी करना है, ग्रुप सी करना है, जो आप चाहें उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ए सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ए का डेटा है। बी सिलेक्ट किया तो बी का है, सी सिलेक्ट किया तो सी का है। और नीचे भी दोस्तों चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपना ग्रुप चेंज करता हूँ, चार्ट मेरा ऑटोमेटिकली एडिट हो जाता है। एंड यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लियर फिल्टर का ऑप्शन। क्लियर फिल्टर किया दोस्तों तो जो डिफॉल्ट था इसको अप्लाई करने से पहले जो था वो वापस अप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों इसे हम कर देते हैं डिलीट, यहां से कर दिया मैंने रिमूव। और हम वापस से ऐड करते हैं एक इंसर्ट स्लाइसर। मैं जाता हूं एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर मैंने क्लिक किया। इस बार दोस्तों हम करने वाले हैं ग्रुप, फ्लेवर एंड सेल्समैन, तीनों का ओके मैं कर देता हूं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास तीन डिफरेंट मेन्यू ओपन हो चुके हैं, या तीन डिफरेंट इंसर्ट स्लाइसर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों। अब गाइस आपको यहाँ से अलग अलग चीजें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि मेरे को ग्रुप ए का डाटा शो करना है, तो ग्रुप ए का शो करेगा। ग्रुप ए में दोस्तों मेरे को सिर्फ ओरियो का डेटा शो करना है, तो सिर्फ ओरियो का डेटा शो करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट दोस्तों ग्रुप ए में सिर्फ पर्सन वन है, तो यहाँ पे मैं परसेंट चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने परसेंट चेंज किया तो उसका कोई डाटा मिलेगा ही नहीं दोस्तों आपको, क्योंकि ग्रुप ए में कोई और पर्सन था ही नहीं। ग्रुप ए में सिर्फ पर्सन नंबर वन था, ग्रुप बी में पर्सन टू था, ग्रुप सी में पर्सन थ्री था दोस्तों। ये आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो ग्रुप ए बनाया है उसमें सिर्फ पर्सन वन है, ग्रुप बी में पर्सन टू है, ग्रुप सी में हमारे पर्सन थ्री है दोस्तों। तो गाइस इस टाइप से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे भी दोस्तों मैं कर देता हूँ तीनों सिलेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं चेंज कर सकता हूँ पर्सन वन टू एंड थ्री अपने अकॉर्डिंग, जैसा मुझे अच्छा लगे मैं वैसा कर सकता हूँ। तीनों ग्रुप को मिला के दोस्तों पर्सन वन ने कितनी सेलिंग की है, 4,500 रुपीज मेरे पास डेटा आ चुका है। इस डेटा को मेरे को अच्छे से एक्सपेंड करके देखना है, तो सिंपली मैं ग्रैंड टोटल के ऊपर क्लिक करूंगा तो तीनों का दिखा देगा, चॉकलेट, ओरियो एंड वेनिला का। और मेरे को सिर्फ चॉकलेट का देखना है तो मैं सिंपली चॉकलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को सिर्फ चॉकलेट का डेटा दिखा देगा दोस्तों। इस टाइप से दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइसर फिल्टर को दोस्तों। इंसर्ट स्लाइसर फिल्टर है, इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्ट तरीके से अपने अप्लाई कर सकते हैं अपनी शीट में दोस्तों। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। मेरे को पर्सनली इसीलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों पिवट टेबल, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं जो मेरा काम इतना आसान कर देते हैं कि मेरे सिर्फ एक एक क्लिक में
मेरा काम पूरा हो जाता है दोस्तों। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि पिविट टेबल आप कैसे बना सकते हैं, पिविट चार्ट कैसे बना सकते हैं, उसमें फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपको पूरा हो चुका है दोस्तों हमारा पिविट टेबल का सेक्शन, आपको कंप्लीट यूज करना आ चुका है पिविट टेबल। आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं बनाने से लेकर उसमें कैसे अपने मनपसंद फिल्टर यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें इंसर्ट स्लाइसर जैसे फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारा पिविट टेबल आपको बहुत ही पसंद आया हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पिविट टेबल को। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों जिस तरह से मेरा ये पर्सनल फेवरेट बन चुका है पिविट टेबल, आपका भी ये पर्सनल फेवरेट बन जाएगा। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।